हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज हम जीके सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में दुआब्स की। पंजाब में कितने दुआब्स हैं, तो ये पंजाब की जब बात होगी तो यूनाइटेड पंजाब की बात होगी, जो 1947 से पहले का पंजाब था, पूरा बड़ा पंजाब। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती थी आज हम बात करेंगे, कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती थी। नंबर वन। नंबर टू, दुआब किसको कहते हैं। नंबर थ्री, यूनाइटेड पंजाब में ये जो रिवर्स फ्लो करती थी ये कौन कौन से दुआब्स की फॉर्मेशन करती थी। ओके, एंड नंबर फोर, कौन से एरियाज थे पंजाब के जो इस दुआब क्षेत्र में नहीं आते थे, किसी भी दुआब में, दुआब रीजन से बाहर के एरियाज थे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है, तो एंड तक आप वीडियो सुनिए और देखिए, अपनी जनरल नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दुआब की। दुआब किसको कहते हैं, तो दुआब वो एरिया होता है जो दो रिवर्स के बीच का एरिया होता है। जैसे ये मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, ये सतलुज रिवर जा रही है और ये हमारी जो है वो रावी रिवर जा रही है, इनके बीच का ये जो पूरा रीजन है, ये पूरे का पूरा जो रीजन है ब्लू कलर का, ये हमारा दोआब है। दो आब, दो आब मींस दो, मींस दो जो है इंग्लिश में टू, आब वाटर पानी, दो पानी। तो ये फारसी लैंग्वेज से ये जो वर्ड जो वो आया है, दो आब, आब मींस पानी, दो मींस टू। ओके, तो दो पानियों के बीच में, दो रिवर्स में, जहाँ पानी का मीन्स रिवर्स, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दोआब। तो दोआब हमारी एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंजाब में कौन कौन से दोआब्स मिलते हैं, और उससे पहले पंजाब में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती थी। ठीक है, यूनाइटेड पंजाब की बात करेंगे, तो फर्स्ट रिवर जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो आप देख सकते हैं, ये वाली जो रिवर है, दिस इज योर सतलुज रिवर, दिस नंबर वन सतलुज रिवर। देन सेकंड रिवर जो यहाँ पे फ्लो कर रही है और बाद में आके सतलुज के साथ ही मर्ज हो जाती है, ये हमारी है ब्यास रिवर। ओके, देन थर्ड रिवर जो हमारी यहाँ पे फ्लो कर रही है, ये वाली, दिस इज आर रावी रिवर। ओके, एंड नेक्स्ट टू रावी इज चिनाब रिवर, ये हमारी चिनाब रिवर जा रही है, और इसके नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ वन इज जेहलम रिवर। तो जब पंजाब की बात होती है तो पंजाब में ये पांचों रिवर जो है ये फ्लो करती थी, और इन पांच के नाम के ऊपर ही पंजाब का नाम पड़ा था, पांच, पंच फारसी में पंच, पांच के लिए, और आब फिर वही पानी, पांच रिवर्स वाली धरती, पांच पानियों वाली धरती का नाम पड़ा पंजाब। ओके, तो पंजाब से पहले जो था वो सप्त सिंधु भी इसका नाम था, उसमें ये पांचों रिवर्स और सिक्स्थ रिवर ये सिंध सागर, ये जो सिंध रिवर है इंडस रिवर, ये भी उसमें काउंट कर लेते थे सप्त सिंधु जब नाम था, और एक रिवर यहां से फ्लो कर रही थी हरियाणा वाला जो एरिया, वहां से वो थी सरस्वती रिवर। तो ये सेवंथ रिवर थी पहले कभी एंशियंट टाइम्स में, ये सावन रिवर से मिलके इसका नाम था सप्त सिंधु। तो आज हम बात करेंगे पंजाब की, ओनली पंजाब के कौन कौन से दुआब है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब कौन कौन से यहाँ पे दुआब्स हैं पंजाब में। तो फर्स्ट रिवर जो हमारी सतलुज है, सतलुज और रावी के जो बीच का एरिया है, सॉरी सतलुज और ब्यास के बीच का जो एरिया है उसकी हम बात करेंगे, बिस्त दुआब। पहले दुआब का नाम हमारा है बिस्त दुआब, ये हमारी सतलुज है फर्स्ट रिवर, और सेकंड रिवर है हमारी ब्यास। तो ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया बन गया बिस्त दुआब, ये हमारा पहला दुआब है बिस्त दुआब। ओके, इसका नाम कैसे है, जितने भी दुआब हैं उनका नाम दोनों रिवर के नाम के जो लेटर्स हैं वहां से मिला के बनाया गया है। अब ब्यास से BI और सतलुज से ST, ये बन गया बिस्त दुआब, हमारा फर्स्ट दुआब जो है। ओके, देन सेकेंड दुआब, ब्यास और रावी,
इन दोनों के बीच में जो हमारा सेकंड दोआब है यहाँ पे, ओके। तो इसका नाम ब्यास से हमने बीए लिया और रावी से आरआई, बारी दोआब। सेकंड दोआब हमारा बन गया बारी दोआब। देन नेक्स्ट जो दोआब है रावी, ये थर्ड रिवर हमारी रावी, और फोर्थ रिवर हमारी चिनाब। चिनाब और रावी के बीच का ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट दोआब बन गया। तो ये कौन सा दोआब है? इसका नाम है रचना दोआब। आरी रावी से लिया हमने और चिनाब से लिया CHNA, रचना दोआब। ये हमारा फोर्थ दोआब है, थर्ड दोआब है सॉरी, रचना दोआब। ये हमारा रचना दोआब हो गया। और फोर्थ हमारा जो है वो चिनाब और जेलम दोनों के बीच का जो दोआब का एरिया है वो है जिच दोआब। तो जिच दोआब जो है वो जेलम का लिए जेई और चिनाब का लिए CH। तो ये मिला के बन गया हमारा ये जो सारा एरिया, ये जो ब्लू जो लाइट कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है ये एरिया, ओके। ये हमारा जो है वो जिच दोआब है, चिनाब और जेलम के बीच में। इसको चज दोआब भी कहते हैं, CHEJ, उल्टा नाम भी इसका, चज दोआब या जिच दोआब, एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ दोआब है, ये वाला जो दोआब है ये हमारा फोर्थ दोआब हो गया, जिच दोआब। अब जेहलम और जो हमारी अगली रिवर है इंडस, सिंध रिवर, जिसको सिंध कहते हैं हिंदी में या पंजाबी में, इसका जो नाम है, इसके जो बीच का एरिया है जेहलम और सिंध के बीच, किसका नाम है? सिंध सागर दोआब। तो ये पूरा जो येलो कलर वाला एरिया है ये हमारा जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये सिंध सागर दोआब है। तो सिंध सागर दोआब काफी बड़ा दोआब है ये भी। तो ये हमारा फिफ्थ दोआब हो गया सिंध सागर दोआब। तो पांच दोआब हमारे पूरे हो गए, ठीक है। फर्स्ट बिस्त दोआब, सेकंड बारी दोआब, थर्ड रचना दोआब, फोर्थ जिच दोआब एंड फिफ्थ सिंध सागर दोआब। अब जो बात रह गई है वो रह गई है कि कौन से पंजाब के एरियाज थे जो इन दोआब में नहीं आते थे। दोआब से आगे ये जो सिंध रिवर है इसके वेस्टर्न साइड पे कुछ एरियाज थे, तो ये थोड़ा छोटा सा एरिया यहाँ पे एक हमारा जो है ये हमारा मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ एरिया यहाँ पे है, ये सिंध रिवर के उस साइड पे था, ठीक है। और दूसरा हमारा डेरा गाजी खान, ये जो डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे एक डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे, ये सिंध रिवर के उस साइड पे हमारे दो एरियाज थे, ठीक है, जो सिंध रिवर के वेस्टर्न साइड पे थे। अब आते हैं जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर के सदर्न साइड के ऊपर, सदर्न डायरेक्शन में यहाँ पे कौन से एरियाज हैं जो पंजाब के थे जो दोआब में नहीं आते थे, जो सदर्न साइड पे सतलुज रिवर के सदर्न डायरेक्शन में लोकेटेड थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक एरिया है जो आजकल पाकिस्तान में बहावलपुर स्टेट, एक प्रिंसली स्टेट थी बहावलपुर, ओके। इसके बाद में पंजाब का जो मालवा रीजन है, ये पंजाब का मालवा रीजन जो है ये यहाँ पे था। इस साइड पे पंजाब का जो है वो हिमाचल पंजाब और हरियाणा को मिला के पुआध, ये पुआध का एरिया इस साइड पे, ठीक है, ये पुआध रीजन था पंजाब का। और बाकी का जो हरियाणा का एरिया जो आजकल हरियाणा में है, ये पूरा जो एरिया गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और दिल्ली को मिला के ये पूरा एरिया जो था, ये सारा रीजन था जो सतलुज रिवर के सदर्न साइड पे थे, और ये इन दोआब, ये जो पांच दोआब है इससे आउटसाइड ये जो एरियाज थे पंजाब के। तो ये कुल मिला के पंजाब के जो है वो रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करती थी और कौन कौन से उसमें दोआब है, उनके नेमिंग कैसे है, ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। और कौन से एरियाज इस दोआब में नहीं थे पंजाब के, जो बाहर थे इस दोआब एरिया से, उसकी बात की है हमने। यूनाइटेड पंजाब की बात की है 1947 से, जो पहले वाला पंजाब है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर ये जो दोआब हैं इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसकी डिस्कस करेंगे, किस दोआब में कितने डिस्ट्रिक्ट थे यूनाइटेड पंजाब के। तो फिर वो कंप्लीट वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। तो लेट अस सी इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ जनरल नॉलेज सीरीज। थैंक यू।